हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्जिस किचन। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं जीरा राइस, जो कि एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला है और बहुत ही टेस्टी रहेगा और बहुत ही आसान भी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना एक बाउल में हम पानी ले लिया है, उसे बॉयल होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। उसके बाद जो है उसके अंदर सारे खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे कि लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, सारे मसालों को हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब जो है इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक को भी ऐड कर लेना है और जो है इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल को भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर एक बॉयल आने देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉयल आ चुका है पानी के अंदर। अब इसके अंदर चावल को डाल देंगे। चावल को जो है मैंने आधे घंटा पहले से साफ करके भिगो के रख दिया था। इस चावल को हम इसके अंदर डाल देंगे। ज़ीरा राइस को जो है हम घर पे आराम से बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे टिप्स को जो है हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। सारे चावल इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर भी एक बॉयल आने देंगे। अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा वेनेगर डाल देंगे। वेनेगर डालने से ना चावल बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और चावल एकदम सफ़ेद आ जाएंगे। चलिए एक बार चावल को चेक कर लेते हैं। हमें जो है चावल को 90% या फिर 80% ही बनाना है। बेहतर होगा कि 90% बना लें। यहाँ पे 90% बन चुके हैं चावल, तो इसे स्टैंड कर लेंगे। स्टैंड किया हुआ चावल को मैंने एक बड़े से थाल में डाल दिया है। अब जो है इसके अंदर से सारे खड़े मसाले को मैंने रिमूव कर दिया है, यानी कि निकाल लिया है। इन चावलों को ना हम अब ठंडा करने के लिए रख देंगे। एक 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रख लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। साथ ही साथ उसके अंदर मैंने घी को भी ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो प्योर घी से भी बना सकते हो। घी गर्म हो चुका है, इसके अंदर जो है ज़ीरे को डाल देंगे। यहाँ पे ज़ीरे को ना लाइट ही फ्राई करना है, वरना ज़ीरा जो है जल जाएगा और टेस्ट हमारा ज़ीरा राइस का ख़राब हो सकता है। 30 सेकेंड के लिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब जाके इसके अंदर हमने बना के रखा हुआ राइस को इसके अंदर डाल देंगे। आधे चावल को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वरना जो है नीचे के ज़ीरा सारे के सारे जल जाएंगे, इसलिए मैंने आधे चावल को बचा के रख दिया है। इन सारे चावल और ज़ीरे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाकी चावल भी डाल दिया है इसके अंदर। इसको जो है धीमी आंच पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि चावल हमारे आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, एकदम खिले खिले आए हैं। अब इसके अंदर कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। इन सारे चीज़ों को ना हल्के से मिक्स कर लेना है। रेडी हो चुका है रेस्टोरेंट स्टाइल वाला ज़ीरा राइस, बहुत ही आसान है। चलिए इसे सर्व करते हैं। गर्मा गर्म ज़ीरा राइस रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे ज़ीरा राइस को जो है दाल तड़के के साथ सर्व किया है, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बन चुका है। दाल तड़के का रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।